दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के ऊपर बात करने वाले। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने टॉप 5 मोबाइल वीडियोग्राफी आइडियाज बताए थे। उसमें मेरे को ऑलमोस्ट सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के ऊपर कमेंट आए। बहुत लोगों ने बोला था कि सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के ऊपर एक ट्यूटोरियल लाओ, तो आज आपके लिए एक एपिसोड हाजिर है जिसमें सिनेमैटिक वीडियोग्राफी को कैसे शूट करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है और स्लो मोशन कैसे एडिट करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्लो फास्ट इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं वीडियो में। तो जिनको ये इफेक्ट आती है वो ये पार्ट स्किप करके स्क्रीन पे दिए गए टाइम पे जाके आप आगे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें वीडियो को ऐड कर लेना है काइनमास्टर में, और मैं जो ये काइनमास्टर यूज कर रहा हूँ वो लेटेस्ट जनवरी 2020 का वर्जन 4.11.16 है, जो कि फुल्ली मोडेड अनलॉक प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको भी ये एप्लीकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी काइनमास्टर की, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो ऐड हो जाने के बाद हमें स्लो फास्ट इफेक्ट ऐड करना है। यहाँ पर मेरा वीडियो ऑलरेडी स्लो मोशन में शूट किया गया है, तो मैं इसको स्लो फास्ट इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो आप देखते जाओ। और दोस्तों जिनके फोन में स्लो मोशन नहीं है उसका भी मैं तरीका दिखाऊंगा कैसे हमें स्लो फास्ट इफेक्ट ऐड करनी है वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वीडियो के पार्ट डिवाइड कर लेने। यहाँ पे ये सीजर पे क्लिक करके हमें इस वीडियो को स्प्लिट कर देना है अलग अलग पार्ट में। दोस्तों मेरा वीडियो स्लो मोशन में है, सो अगर मैं इसकी स्पीड 2x रखूंगा तो ये जैसा वीडियो नॉर्मली होता है उसकी स्पीड में हो जाएगा, और अगर मैं 4x रखूंगा तो ये उससे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4x रख देता हूँ ताकि मेरी वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट एकदम स्पीड में आए। और जिनका वीडियो स्लो मोशन में नहीं है उसको सिर्फ 2x स्पीड रखनी है ताकि वीडियो अच्छा दिखे। अगर आप ज्यादा स्पीड कर दोगे तो वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा। सो अब बारी आती है स्लो मोशन के पार्ट की। यहाँ पर इतना पार्ट मैं स्लो रखूंगा तो इसको सीजर पे क्लिक करके स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट होने के बाद इतने पार्ट मेरा पहले से ही स्लो है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा और स्लो करूंगा ताकि स्मूथ स्लो मोशन इफेक्ट अच्छी लगे वीडियो में। और जिनका वीडियो स्लो मोशन में नहीं है उसको तो पूरी स्पीड डाउन कर देनी पड़ेगी। सो हमें सेम पहले जैसा करना है, तीसरे पार्ट को हमें फास्ट कर लेना है और चौथे पार्ट को स्लो कर देना है। सेम टू सेम ऐसे इफेक्ट डालते जाने पूरे वीडियो में। स्लो फास्ट इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद हमें रफली वीडियो को सेव कर लेना है और चेक कर लेना है वीडियो की स्पीड कैसी है। अगर कोई भी पार्ट पे वीडियो की स्पीड ज़्यादा या कम हो गई हो तो हमें उसे सुधार लेना है, क्योंकि अगर आप काइनमास्टर में वीडियो को चेक करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसको वीडियो को सेव कर लेना है और सेव करने के बाद चेक कर लेना है। फिर हमें वीडियो में म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ ऑडियो पे क्लिक कर लेना है और कोई भी एक म्यूजिक ढूंढ के हमें ऐड कर लेना है उसको। तो म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद हमें जितना चाहिए उतना रख लेना है और बाकी का ट्रिम कर लेना है। फिर दोस्तों हमें वीडियो को सेव करने के लिए शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और शेयर पे क्लिक करने के बाद वीडियो की क्वालिटी डिसाइड कर लेनी है। फुल HD, HD या जितना आपको क्वालिटी रखनी उतना रख लेना है। क्वालिटी रखने के बाद हमें एक चीज का ध्यान रखना है, बीट रेट हमेशा हमें फुल रखना है। अगर आप बीट रेट कम करोगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी डाउन होगी, तो बीट रेट को फुल कर देना है और वीडियो को सेव कर लेना है। तो वीडियो सेव हो जाने के बाद अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें मैंने 3 इफेक्ट ऐड किए हैं, स्लो फास्ट इफेक्ट, स्क्रिबल इफेक्ट और सिनेमैटिक। तो सिनेमैटिक और स्लो फास्ट तो आपको पता है, लेकिन स्क्रिबल इफेक्ट नहीं पता होगा। तो अगर आपको इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पोल जनरेट किया है, आप वहाँ पे आंसर दे सकते हो और आप कमेंट में भी मुझे ज़रूर से बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको दिखा देता हूँ।
सिनेमैटिक वीडियो को शूट कैसे करना है। सो दोस्तों, सिनेमैटिक वीडियोग्राफी मतलब अलग अलग कैमरा एंगल लेके अलग अलग जगह पे जाके सिनेमैटिक शूट लेना, तो इसका मतलब सिनेमैटिक वीडियोग्राफी होता है। लेकिन अगर आप सिनेमैटिक बार्स लगाते हो वीडियो में तो वो भी सिनेमैटिक वीडियो ही कहलाता है। सो मैं आपको सिनेमैटिक बार PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सो सबसे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी जहाँ पे पीछे से सनलाइट आ रही हो, और दोस्तों हमें शाम के 5 से 6 बजे के अंदर वीडियो को शूट करना है। तो हमें सन के एग्जैक्ट सामने मॉडल को खड़ा कर देना है और उसके लो एंगल से वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों हमें कुछ इस टाइप से शूट करना है कि वीडियो में अंधेरा है, फिर जैसे जैसे मॉडल नजदीक आते जाए कैमरा के तो हमें फोकस कर देना है उसके फेस पे। फोकस करोगे तो एकदम से लाइट आ जाएगी वीडियो में और बहुत ही ऑसम वीडियो दिखेगा। तो दोस्तों हमें वीडियो को स्लो मोशन में शूट करना है ताकि वीडियो में स्मूथनेस आए स्लो मोशन की। और अगर दोस्तों जिन लोगों के फोन में स्लो मोशन सपोर्ट नहीं करता तो उन लोगों के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, आगे स्लो मोशन जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे ट्रिक बताई, आप उसका यूज करके स्लोमो ऐड कर सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको सिनेमैटिक और स्लो मोशन का कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। और इस वीडियो को आप पोर्ट्रेट मोड में भी शूट कर सकते हो ताकि आप टिकटॉक पे अपलोड कर सको। तो मैंने एक वीडियो को शूट करके एडिट करके रखा है, तो आप देख। पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना, और आपको किस टाइप की वीडियोग्राफी और एडिटिंग पसंद है इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि दोस्तों हम लोग वीडियोग्राफी के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स, एडिटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल, टिकटॉक वीडियोग्राफी आइडिया, फिल्म मेकिंग, VFX, ट्रांजेक्शन, सारे के सारे वीडियोग्राफी इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।